सो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूल। सो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज से व्हाट इफ के सीजन 2 से लेकर डेयर डेविल बोर्न अगेन तक कई खबरें आई हैं, जिन पे मैं बारी बारी बात करूंगा। तो सबसे पहले मार्वल ने द मार्वल्स को नवंबर में ही रिलीज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि कई मूवीज़ के डिले होने की खबरें आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी डिले हो सकती है, पर नहीं, एमसीयू ने इसे 3 नवंबर 2023 को ही रिलीज करने का फैसला किया है। पर स्ट्राइक के चलते इसको प्रमोट कैसे किया जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक्स तो लगता है लंबी चलेंगी। एंड इसी के साथ ही मार्वल स्टूडियोज ने इस साल के कैलेंडर पर अपनी एक और सीरीज को चेप दिया है। लोकी का सीजन अक्टूबर को आ रहा है, जिसके बाद द मार्वल्स नवंबर में आएगी और दिसंबर में आएगा व्हाट इफ सीजन 2। मार्वल की ओर से ये काफ़ी सरप्राइजिंग मूव थी। आई थिंक इट्स ए वेरी गुड स्ट्रेटजी टू रिलीज दिस अर्ली, क्योंकि एमसीयू के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये 100% फिनिश्ड माल है और इसको प्रमोट करने के लिए कोई एक्टर भी नहीं चाहिए। सो अगर दिसंबर तक स्ट्राइक्स खत्म नहीं होती, फिर भी ये रिलीज हो जाएगा। मार्वल ने जहाँ व्हाट इफ को अर्ली रिलीज करने का फैसला लिया है, वहीं एको जो कि नवंबर में आने वाली थी उसे डिले कर दिया गया है और ये अब जनवरी में आएगी। हर वीक एक एक एपिसोड रिलीज करने की जगह एक साथ डिज्नी प्लस पे से रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप एक सीरीज को कैसे देखना पसंद करते हैं, वन एपिसोड बाई वीक या फिर एक दिन में ही सारे एपिसोड्स? एको को इस फॉर्मेट में रिलीज करना सही होगा, क्योंकि कौन पूरा हफ्ता इंतजार करेगा इसके लिए। वहीं अगर लोकी पे आए, देन आई एम एक्साइटेड बाई द आइडिया ऑफ वेटिंग फॉर द एपिसोड्स ईच वीक। तो खैर, इसके आगे बात करें तो आगे बताए गए प्रोजेक्ट्स की कोई एक्चुअल रिलीज डेट नहीं दी गई, जिसमें आगे एक्समैन 97 आता है, जो 2024 की शुरुआत में ही कभी रिलीज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है अगाथा डार्क होल डायरीज। जी हाँ, इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जब इसका नाम चेंज किया गया है। सबसे पहले इसका नाम हाउस ऑफ अगाथा हार्कनेस था, फिर इसे चेंज करके अगाथा कवन ऑफ केओस किया गया और अब इसका नाम है अगाथा डार्क होल डायरीज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ये सब इंटेंशनली कर रहा है एज ए मार्केटिंग कैंपेन, ताकि लोग इसके बारे में ज्यादा बात कर सकें। ये बताया जा रहा है कि अगाथा अपनी सीरीज के टाइटल्स को खुद चेंज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डार्क होल डायरीज नाम रखा गया है, ये भी चेंज कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में। तो अब आते हैं बैड न्यूज पर, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज की कोई स्पेसिफिक रिलीज डेट नहीं दी गई, बल्कि इनकी रिलीज को होल्ड पे रख दिया गया है। जिसमें सबसे पहले है आयरन हार्ट, जिसे पता नहीं अगले साल रिलीज किया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट है डेयर डेविल बोर्न अगेन, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, बट इसे भी होल्ड पे रखा गया है। और लास्ट में है वंडर मैन, ये भी डिले हो गया है। तो हॉलीवुड की स्ट्राइक्स भी थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पहले राइटर्स स्ट्राइक पे गए थे, उसके बाद एक्टर्स आए, और अब लग रहा है कि VFX आर्टिस्ट्स और वीडियो गेम इंडस्ट्री भी स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं। स्ट्राइक्स ज्वाइन कर रही कंपनीज में इंसोमनियाक, एपिक गेम्स, एक्टिवेशन एंड EA स्पोर्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। स्ट्राइक्स के कारण एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो ठप पड़ी ही थी, बट अब गेमिंग इंडस्ट्री भी ठप पड़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि सोनी की आने वाली गेम मार्वल्स स्पाइडरमैन 2 कैंसिल होगी, जो कि अभी आने ही वाली है। तो लगता है आने वाले 2 साल काफ़ी बुरे जाने वाले हैं, क्योंकि ना तो हम थिएटर्स में मूवीज देख पाएंगे, ना स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे कोई सीरीज और ना ही कोई वीडियो गेम। शिट, मुझे भी बुरा लगता है यार ऐसी डिले वाली न्यूज़ सुना के, कि डेडपूल डिले हो गई है, कैंग डायनेस्टी डिले हो गई है, सीक्रेट वॉर्स डिले हो गई है। तो खैर, मैं यही कहना चाहूँगा, लेट्स इन्जॉय व्हाट वी हैव नाउ। वी हैव लोकी जो अक्टूबर में आने वाला है, देन नवंबर में द मार्वल्स आएगी और व्हाट इफ भी इस साल के लास्ट में आ जाएगा, और हमें इन सब से ही गुजारा करना होगा, क्योंकि हम सब सुपर हीरो फैंस के लिए अगले साल सूखा पड़ जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवीज, सीरीज़ और सुपर हीरो कंटेंट के बारे में बातें करता रहता हूँ और अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं कहता रहता हूँ पर आप करते नहीं। अनटिल नेक्स्ट टाइम।